जी, यूक्रेन किसी भी हाल में नहीं करेगा सरेंडर, यह कहकर हलचल मचा दी है प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने। अमेरिका से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो हार नहीं मानेंगे। अमेरिकी संसद से जेलेंस्की ने पुतिन को बहुत कड़ा संदेश दिया कि यूक्रेनी सेना क्रिसमस तक रूस की फौज को यूक्रेन से बाहर खदेड़ देगी, बहुत बड़ा दावा। और साथ ही बखमुट को लेकर भी जेलेंस्की ने किया जिक्र। उन्होंने दुनिया को बखमुट के हालात से रूबरू करवाया। अमेरिका की संसद में जेलेंस्की के भाषण से यह साफ है कि वो किसी भी हालत में पुतिन के सामने झुकने वाले नहीं है, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो। और उधर बाइडेन ने भी यूक्रेन की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन इन सबके बीच पुतिन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने नए साल पर विध्वंसक वॉर के संकेत दिए हैं। और देखिए, आज जेलेंस्की के अमेरिकी संसद में पूरे संबोधन को हम डिकोड करने वाले इस कार्यक्रम में। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और साथ ही पुतिन की चेतावनी के मायने भी आपको समझाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरह से अमेरिकी कांग्रेस को, अमेरिकी संसद को संबोधित किया और सीधा ऐलान किया है कि जो यूक्रेन है वो हर हाल में इस युद्ध को जीत कर रहेगा। और बड़ी खबर आपके सामने, तस्वीरों के साथ 36 मिनट तक भाषण दिया अमेरिकी कांग्रेस में। इस दौरान अमेरिकी सांसदों ने 26 बार ताली बजवाकर जेलेंस्की का स्वागत किया। तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आप सुन पा रहे हैं। 26 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जब सांसद अपनी सीट से खड़े हुए और जोरदार स्वागत किया। तो देखिए आपने, ये बेहद अहम तस्वीरें अमेरिकी संसद से जेलेंस्की का। पुतिन को क्या है कड़ा संदेश, यूक्रेन कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, ये कहा प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने। क्रिसमस तक रूस की फौज को यूक्रेन से बाहर खदेड़ देंगे, ये दावा कर रहे हैं जेलेंस्की। बाखमुत में यूक्रेनी फौज रूस को कड़ी शिकस्त दे रही है। यूक्रेन को मदद कोई चैरिटी नहीं, विश्व शांति के लिए जरूरी है। इन तमाम बातों का जिक्र अपने संबोधन में प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने किया है। तो बड़ी बात है, पूरी दुनिया की नजर थी जेलेंस्की और जो बाइडेन की इस मुलाकात पर। लेकिन जो पुतिन ये दावा कर रहे थे कि यूक्रेन का क्रिसमस और न्यू ईयर अंधेरे में गुजरेगा, जिस स्ट्रैटेजी के साथ पुतिन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया, उसके बाद जेलेंस्की ने जो बाइडेन के सामने खड़े होकर यह कह दिया कि अब जिस तरीके से अमेरिका ने हिटलर का सामना किया था, सफाया किया था, वैसे ही अब पुतिन का सफाया यूक्रेन करेगा। और जेलेंस्की की 10 बड़ी बातें, विस्फोटक बयान आपके सामने। जहां पहली बड़ी बात, बखमुट में यूक्रेनी सेना रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। दूसरी बड़ी बात, रूस बखमुट को कब्जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तीसरी बड़ी बात, डोनबास में दिक्कतें आई लेकिन यूक्रेनी मजबूती से डटे रहे। चौथी बड़ी बात, रूस हमारी धरती को तबाह करने की कोशिश में जुटा हुआ है। पांचवी बड़ी बात, जैसे यूएस सेना ने हिटलर को भगाया वैसे इस क्रिसमस पर रूस को भगाएंगे। छठी बड़ी बात, रशियन हम पर ईरानी ड्रोन से कर रहे हैं वार। सातवीं बड़ी बात, हमने कभी भी फ्रंट लाइन पर जंग के लिए अमेरिकी सेना नहीं मांगी। आठवीं बड़ी बात, हमारे सैनिक अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल में भी पूरी तरीके से सक्षम है। नौवीं बड़ी बात, यूक्रेन को मदद चैरिटी नहीं है, विश्व शांति के लिए यह जरूरी है। और दसवीं बड़ी बात, रूस के साथ जंग में यूक्रेन कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। रवि, ये 10 विस्फोटक बयान, जाहिर सी बात है अब जेलेंस्की ने बड़ा और कड़ा संदेश पुतिन को दिया है। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।